एक कमेंट में आया है कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू लर्निंग कांजी विदाउट राइटिंग इट, आई राइट अ कांजी 20 times बट आई कैन नॉट लर्न इट। पहले थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान दो भाई। हालांकि दोनों लाइंस का मीनिंग भी थोड़ा एक दूसरे से विरोधी है कि मुझे समझ नहीं आता बिना लिखे कांजी कैसे याद करूं, और मैं 20 बार कांजी लिखता हूं फिर भी याद नहीं होती। कोई बात नहीं, चलिए कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट 1 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, पॉइंट 2 N5 कांजी सिलेबस, और पॉइंट 3 एक JLPT क्वेश्चन का एग्जाम्पल जिसमें हम एक प्रैंक देखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। तो देखिए, आपने N5 कांजी पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा कि कांजी के लिए क्या क्या करना होता है। ये जो बात 10-12 क्लासेस का लेक्चर और 2-3 महीने की प्रैक्टिस मांगता है, 7-8 मिनट के वीडियो में समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको एंड रिजल्ट या फिर कहें तो आखिर की फाइनल बात ही डायरेक्टली बतानी होती है, जो शायद समझ में आए या फिर कभी समझ में ना आए। इसलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि कांजी को लिखने में हमें ये फीलिंग आती है कि हम बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं और वाह देखो हमने पूरा पेज भर दिया है, अब तो मेरा JLPT या जॉब होके ही रहेगा। और जब हम थोड़ा एडवांस में जाते हैं तो क्योंकि वही आदत होती है तो हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या वहाँ तक जाने की एनर्जी नहीं बचती कि हम अपना असली स्पोकन स्किल्स या JLPT के लिए रीडिंग स्किल्स को पॉलिश करें, जो दोनों ही जॉब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, या जापनीज में कहें तो हित्सियोदेस। और देखिए, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि ठीक है लिखने से आप शुरू कर सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस को, इसमें क्यो की कांजी या सामोई की कांजी को आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस को देखिए, इसके लिए भी अगर आप पुराने ज़माने के तरीकों पर चलेंगे तो क्या होगा। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब पूरा जापनीज मटेरियल आपके हाथ में है, इसी फ़ोन पर अवेलेबल है। एक बार जापनीज को रीडिंग के तौर पे सीखना तो शुरू करिए, जो कि जापान में पढ़ते हुए भी जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है वैसे वैसे जापनीज टीचर भी यही सिखाते हैं। तो क्यों ना N5 से ही शुरू करें, क्यों ना स्टार्टिंग से ही इसको शुरू करें। बस यही है समरी सब बातों की। मेरे पास 80% कमेंट्स जापान के बारे में आते हैं, जापान कैसे जाएं, वहाँ पर जॉब कैसे करें। तो भाइयों बहनों, जापान जाके जब 4 घंटे जॉब, 4 घंटे पढ़ाई, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, होमवर्क करना, ये सब होगा तब क्या होगा। तो असली बात से शुरू करते हैं। बेस्ट तरीका है जापनीज कांजी को बोलना, जापनीज सेंटेंस को बोलना, जापनीज वोकेबलरी को बोलना और बोल बोल के याद करना। ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक रेंज का मटेरियल होना चाहिए आपके पास, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो N5 है या N4 है, जिस भी लेवल का आपने टारगेट बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, बस इतनी ही कांजी है जो आपको याद करनी है N5 के लिए। अगर आप नेट सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट इतनी ही कांजी मिलेगी। इन सब का अपने आप में एक मीनिंग होता है जो कि आपको याद रखना होगा, लेकिन उस वोकेबलरी का क्या जो एक दूसरे को कंबाइन करके बन जाती है, जिसका सिमिलर मीनिंग या फिर अलग मीनिंग भी हो सकता है। उन सेंटेंसेस का क्या जो उस वोकेबलरी से बनेंगे, उस दोकाई का क्या जो उन सेंटेंसेस से बनेगी, उस चौकाई का क्या जिसमें ऐसे कई सेंटेंसेस बोल बोल के सुनाए जाएंगे। ग्रामर या पार्टिकल्स की तो बात मैंने अभी करी ही नहीं। डरी मत, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस सुनने में बड़ी बड़ी लगती हैं। सच में कोई भी कर सकता है, चाहे उसको जापनीज का कुछ भी ना आता हो। और अगर आप शुरू से हिंदी में सब कुछ समझते हुए जापनीज सीखना चाहते हैं तो जाइए nihongomax.com पर, जहाँ पर N5 से लेकर N1 तक, दोकाई से लेकर चौकाई तक, बिजनेस जापनीज से लेकर काइवा तक, सब कुछ मैंने हिंदी क्लास फॉर्मेट में सिखाया है, जिस तरह से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है एक क्वेश्चन, JLPT का क्वेश्चन। ये दोकाई का क्वेश्चन है, बट ये N5 लेवल नहीं है, उससे हाई लेवल है, N4 या N3 का लेवल है। तो डरिए मत, जो लोग N5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड ये वाली कांजी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। ये एक तरह का प्रैंक क्वेश्चन है। प्रैंक का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप सोच कुछ और रहे हैं और निकल कुछ और आता है। देखिए, एक नोटिस है, कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट या नोटिस है, जो कि नो स्मोकिंग के बारे में या स्मोकिंग रूल्स के बारे में बताने के लिए, सबसे ऊपर जो कांजी लिखी है वो है किन इन का मतलब होता है नो स्मोकिंग। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन में आंसर कैसे निकलेगा समझते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रैंक क्या है। ओ तबाकोवा किसे जोदे ओनेगा शिमास, तो ओनेगा ताशिमास का मतलब होता है वी रिक्वेस्ट, और ओ तबाको मतलब आपकी जो सिगरेट है वो किसे जो, यानी कि स्मोकिंग एरिया। जापान में अलग अलग जगह पर स्मोकिंग एरियाज बने होते हैं, वहीं पर जाकर आप स्मोकिंग कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते। तो किसे जोदे ओनेगा शिमास मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ वहीं जाकर स्मोकिंग करें। तादाशी, ये एक एडवांस वर्ड है, इसका मतलब होता है बस एक बात का ख्याल रखना है आपको अलग से। सिगिनो जिगानो ओ तबाकोवा गोएनरियो कोदासाई, सिगिनो जिगान मतलब जो नीचे टाइम दिया हुआ है उसमें गोएनरियो कोदासाई का मतलब होता है प्लीज़ रिफ्रेन योर सेल्फ, प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, यानी कि इस टाइम पर स्मोकिंग मत कीजिए। और नीचे जो दिया हुआ है किन इन टाइम, वही वाली कांजी है,
सेम जो ऊपर लिखी है। हेजिट्स का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे या वीकडेज कह सकते हैं। तो 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। तो देखिए सिंपल एक पोस्टर है, नीचे भी कुछ लिखा है लेकिन वो शायद हम इग्नोर कर दें तेज़ी से। और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ऑलरेडी तो इसका मतलब है कोनो पोस्तावा दोको नी हत्यारू का, कहाँ पर ये पोस्टर चिपका हुआ है। तो देखिए पोस्टर पढ़ने से हमें प्लेस का, लोकेशन का तो ज़्यादा समझ नहीं आया। हम देख सकते हैं, हो सकता है रेस्टोरेंट हो, लेकिन रेस्टोरेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं। कूपो यानी कि एयरपोर्ट, एक ही यानी कि स्टेशन, होटल। तो हमें ये, इसमें प्रैंक क्या है, प्रैंक है कि बिल्कुल सबसे एंड में जो कांजी दी हुई है, एक ही चो का मतलब है स्टेशन मास्टर या स्टेशन हेड, जो भी उनका स्टाफ है उनका हेड। तो अब हमें समझ आया कि एक स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर ये पोस्टर चिपका हुआ है। तो देखिए इसमें प्रैंक क्या है, प्रैंक ये है। और इससे हमें सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि आप हमेशा कांजी के ऊपर अगर फोकस रखेंगे और कांजी कांजी ही सोचेंगे और इन सब चीज़ों को, जो टेक्निक और तरीका और पोस्टर समझने का एक मेथड होता है, उनको छोड़ देंगे तो कितना भी आपने कांजी अच्छी करी हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने नीचे वाला एक ही चो नहीं पढ़ा, सभी कुछ इसी में ही लिखा है, एक ही चो मतलब जो स्टेशन मास्टर है यानी कि एक स्टेशन के ऊपर पोस्टर चिपका है, तो इसका आंसर होगा 3। तो ये था बेसिकली इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि कांजी पर, कांजी के पीछे पढ़ना अच्छी बात है, लिखना भी ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जाके आप पढ़ने के तरीके पर आ जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखिए जो कि आपकी JLPT की प्रैक्टिस में आता है। और अगेन मैं ये कहूँगा कि जापनीज़ लैंग्वेज सीखना, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, अगर आप में थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, जो कि इसको पढ़ पढ़ के ही आ सकती है, कहीं और से नहीं खरीदनी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इसको आप अपने पढ़ाई के अंदर ढालेंगे। आगे जाके मेरी कोशिश है अपने वीडियोस में बताने की कि मैंने किस तरह से, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने किस तरह से जापनीज़ सीखी, मंबूशो का एग्जाम कैसे क्लियर किया, जापान में मैंने क्या क्या किया। सो स्टे ट्यून्ड विद निहोंगो मैक्स, थैंक यू सो मच।